दोस्तों ये है होंडा CD110 ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की CD110 के बारे में, जो कि BS6 मॉडल है। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आओ, ये बाइक हमें देखनी है, 100 CC में सबसे अच्छी गाड़ी में से एक है या नहीं है, ये भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं होंडा CD110 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इस बाइक का प्राइस भी बताऊंगा दोस्तों, और आप लोगों को इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि क्या ये 100 CC में सबसे बेस्ट बाइक में से एक है या नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे बजट एंड प्राइस के बारे में। दोस्तों आपका भाई आप लोगों को बाइक का सबसे पहले प्राइस बताता है, उसका बजट बताता है, उसके बाद बाइक का स्पेसिफिकेशन बताता है। बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूबरों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, पहले बाइक का रिव्यू करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बाइक का प्राइस बताते हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई मेरे, अगर वो आपकी वीडियो को पूरा देखता है, उसके बाद उसको जब बाइक का प्राइस पता चलता है और वे पता चलता है कि इस प्राइस से उसको वो नहीं खरीद सकता, इतना उसका बजट नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको वीडियो देखना का उस तो मेरे हिसाब से उसका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं होता। तो मेरे हिसाब से भाई सबसे पहले प्राइस बताना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बजट एंड प्राइस। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसमें आप लोगों को दो मॉडल आती है, एक स्टैंडर्ड आती है, एक डिलक्स मॉडल आती है। देखिए दोस्तों, जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 64,300 रुपीज़ के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं दोस्तों जो डिलक्स मॉडल आती है उसका प्राइस 65,000 रुपीस के आसपास का हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम कंप्लीट प्राइस के बारे में बात करेंगे, ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके RTO एंड इंश्योरेंस के पैसे भी ऐड होते हैं। तो वहां पे आप लोगों को ये बाइक जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो 76,000 रुपीस के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है, और वहीं जो डिलक्स मॉडल है वो 78,000 रुपीस के आसपास का ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, आपके स्टेट में, मेरे स्टेट में ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। इंजन टाइप में 4 स्ट्रोक SI BS6 इंजन मिल जाता है। वहीं 110 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, जो कि 109.51 सीसी का इंजन लगा हुआ है। वहीं दोस्तों इस बाइक के मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम पावर में 8.79 का PS पावर मिल जाता है, जो कि 7500 RPM की लिमिट रखता है, और वहीं मैक्सिमम टॉर्क में 9.30 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 5500 RPM की लिमिट रखता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड देखने को मिल जाता है, और 2 वॉल्व में बाइक को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ड्राई टाइप में चैन ड्राइव देखने को मिल जाती है, और स्टार्टिंग टाइप में आप लोगों को एक प्रॉफिट हो जाता है कि बाइक में आप लोगों को किक एंड सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। नॉर्मली 100 CC की गाड़ियों में यह चीज मिलता है, लेकिन अभी जो बड़ी स्पोर्ट बाइक्स आ रही है उनमें आपको यह चीज देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिलता है।
दोस्तों फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है जिसे हम FI कहते हैं। क्लच में मल्टीप्लेट क्लच हमें देखने को मिल जाते हैं। फोर स्पीड गियर बॉक्स हमें इस व्हीकल में देखने को मिल जाते हैं। एमिशन टाइप BS6 मॉडल है। वहीं दोस्तों इसके हम फीचर एंड सेफ्टी एंड इसकी कंसोल के बारे में बात करेंगे। स्पेशल फीचर में आपको CBS देखने को मिल जाता है जिसे हम कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में तो स्पीडोमीटर एनालॉग मिल जाता है, ऑडोमीटर एनालॉग मिल जाता है, कंसोल आप लोगों को फुली एनालॉग मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है और वहीं पर आप लोगों को इस व्हीकल में स्पीड के इंडिकेटर भी देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली 100cc के हिसाब से होंडा की तरफ से इसे परफेक्ट लॉन्च किया गया है, परफेक्ट डिजाइन किया गया है। वहीं दोस्तों आपको पता है कि जो होंडा का इंजन होता है बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, साथ में कम मेंटेनेंस भी मांगता है। साथ में दोस्तों इस बाइक में अब आप लोगों को इंजन किल स्विच भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि होंडा की व्हीकल में ये चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब आपको इसमें वो चीज भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों चेचिस एंड सस्पेंशन के बारे में बात कर लेंगे तो चेचिस टाइप में डायमंड टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बॉडी टाइप कमेंटर बाइक्स है। वहीं दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है और रियर सस्पेंशन में हाइड्रोलिक टाइप देखने को मिल जाता है। वहीं बॉडी ग्राफिक भी आपको इस व्हीकल में बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है होंडा की तरफ से। वहीं दोस्तों इसके अगर हम माइलेज के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है माइलेज को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल होंडा का जो क्लेम है वो है कि इस बाइक में आप लोगों को 70 प्लस माइलेज देखने को मिल जाएगा, या दोस्तों 70 से 80 के आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा, ऐसा होंडा का क्लेम है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई इस व्हीकल में आप लोगों को 70 के ही आसपास का माइलेज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। दोस्तों इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों यहाँ पे हमें हेडलाइट में हैलोजन देखने को मिल जाता है, टेल लाइट में बल्ब देखने को मिल जाती है, टर्न सिंगल लैंप में बल्ब देखने को मिल जाती है और बैटरी टाइप में MF बैटरी देखने को मिल जाती है जिसे हम मेंटेनेंस फ्री बैटरी कहते हैं। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छा 12 वोल्ट की 5 AH की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में लो फ्यूल इंडिकेटर भी हमें इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। नॉर्मली इसको बहुत ही अच्छी तरह से होंडा की तरफ से डिजाइन किया गया है। दोस्तों टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टायर साइज में अगर हम बात करें तो जो उसमें फ्रंट टायर है यानी कि जो सामने का टायर है उसमें 8100 का टायर हमें देखने को मिल जाता है, जी हाँ 80N100 का। वहीं दोस्तों रियर टायर के बारे में बात करेंगे यानी कि बैक के टायर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी आपको एज इट इज सेम फ्रंट की तरह 8100 का टायर हमें देखने को मिल जाता है। टायर टाइप में ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों व्हील टाइप में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है इस व्हीकल में। दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया ब्रेकिंग सिस्टम में स्पेशल फीचर में आप लोगों को यहां पे CBS देखने को मिल जाता है जिसे हम कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। वहीं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को डिस्क का ऑप्शन नहीं आता। डिस्क में यहां पे आप लोगों को फ्रंट में भी 130 का डायमीटर का ड्रम ब्रेक मिल जाता है और रियर में भी 130mm का आपको यहां पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। फिलहाल डिस्क का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप डिस्क वाली बाइक लेना चाहेंगे तो आपको होंडा साइन या होंडा SP 125 में जाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को होंडा CD110 का स्पेसिफिकेशन रिव्यू दिया। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे भाई 100cc की जो गाड़ी होती है काफ़ी खास होती है, माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा देती है और अगर हमारे पास एक सुपर बाइक है, बड़ी बाइक है, तो हमारे पास एक छोटी व्हीकल भी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों अगर हम इस व्हीकल का अदर 100cc की बाइक से कंपेरिजन करेंगे तो मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूँ, जो हमें ट्रस्ट होंडा कंपनी पर होता है वो ट्रस्ट हमें किसी और कंपनी पर नहीं होता। आप लोगों को भी ये चीज़ पता है जो होंडा है वो वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाती है। होंडा की गाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है, बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है। वहीं दोस्तों पार्ट्स का भी आप कोई लोचा नहीं होगा, होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी आसानी से हमें अवेलेबल हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कि जिन गाड़ियों का हमें पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि भाई पार्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली 110cc की गाड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पावर पिकअप के बारे में बात करेंगे वो भी काफ़ी खास है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप इस व्हीकल को लेना चाहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर आप होंडा की किसी भी बाइक को लेना चाहेंगे तो बिल्कुल आपको वो चीज़
चीज़ खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो होंडा क्वालिटी देता है ना वो कोई और बाइक नहीं दे पाता। होंडा है आपको पता है जापानीज कंपनी, और जापानीज जो बाइक्स होती है बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती है, चाहे वो सुजुकी हो, यामा हो, होंडा हो, सारी जो बाइक्स कंपनी है जापानीज वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कंपेरिजन टू अदर बाइक्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप जो टॉपिक बोलेंगे मैं वही वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सकें और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।